नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, किसी भी स्कूल के लिए एक बड़ी विडंबना है कि स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल के गेट के बाहर घंटों इंतजार करे और उसे स्कूल के अंदर ना जाने दिया जाए और उसके बाद वो वापस परेशान हो करके, ऊपर से खास करके प्रिंसिपल जब एक महिला हो, अपने घर वापस चली जाए और लगातार ये सिलसिला चलता हो। दोस्तों, हमने आवाज़ उठाया है कि इस तरीके से जो बिशप कॉटन स्कूल है नागपुर के VCA ग्राउंड के पास में, उसका जो CBSE के जो स्कूल है उसके, वहाँ की जो प्रिंसिपल है मॉडलिन तिवस्कर, उनके साथ यही चीज़ें घटना घट रही थी। अब हम लोग मॉडलिन तिवस्कर जी के पास पहुँचे, उनसे बातचीत किए, क्या बातचीत किए वो आप पहले सुनिए। दोस्तों, ये बिशप कॉटन CBSE स्कूल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गेट जो है बंद है, गेट पे लॉक लगा हुआ है, लेकिन गेट बंद है यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टाफ नहीं आ रहे, टीचर्स नहीं आ रहे हैं। बच्चों की छुट्टियाँ लग चुकी हैं लेकिन स्टाफ का आना जाना शुरू है। अब स्टाफ, स्कूल ये है, गेट ये है, एंट्रेंस ये है, लेकिन स्टाफ जो है वो स्टेट जो स्कूल है उसके तरफ से एक छोटी सी बाउंड्री है, उस गेट से स्टाफ आना जाना कर रहे हैं, इस गेट को बंद कर दिया गया। यहाँ के जो प्रिंसिपल है मॉडलिन तिवस्कर जी, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। मैडम, आप आज और कल, जैसा कि पता चला कि सूत्रों से कि आप अंदर आ रहे हैं लेकिन आपको अंदर नहीं, यहाँ से जाने दिया जा रहा है जी, तो आपको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? सर, मैं थी मेडिकल लीव पे, मैं रिज्यूम की मेरी ड्यूटी कल से। 23 तारीख को मैं खुद CP सर से मिली और मैंने उनको एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया, रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने उन्हें पहले ही बताया कि मुझे स्ट्रॉन्ग एप्रिहेंशन है कि अदर पार्टी मुझे स्कूल में एंट्री करने से रोके। अदर पार्टी कौन है, मतलब ऐसा क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो आपको स्कूल में एंट्री नहीं करने दे रही है? जी सर, अदर पार्टी है मिसेज रचना सिंह। रचना सिंह मैडम और मेरा कोर्ट में, स्कूल ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है और मुझे स्टे मिल चुका है। उस स्टे का रिकॉर्डिंग अभी जो प्रिंसिपल है वो फिर आधिकारिक रूप से, जैसे आप थे पहले तो प्रिंसिपल अभी आप ही रहेंगे जब तक स्टे है? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि स्कूल ट्रिब्यूनल ने बोला है अदर पार्टी को, जो कि मिसेज रचना सिंह है, जब तक वो अपना रिप्लाई फाइल नहीं करते, उसके लिए उनको 5 अप्रैल डेट दी गई है, तो जब तक वो अपना रिप्लाई फाइल नहीं करते स्टे कंटिन्यू रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आप डेली स्कूल आ रहे हैं लेकिन आपको फिर क्या, आप यहीं से वापस चले जाते हैं? जी, मैं यहाँ पे आज सुबह 7:30 बजे से थी, मैं कल भी आई थी सुबह 7:30 बजे से, लेकिन मुझे एंट्री नहीं दी गई। मैं यहाँ पे 3 घंटा खड़ी थी, 11 बजे तक मैं यहीं थी और मैं यहाँ, जी मैं यहाँ खड़ी थी, यहाँ खड़ी थी, उसके बाद मैं वहाँ जाके बैठ गई लेकिन मुझे कोई एंट्री नहीं दी गई। मैं 2 घंटे बाद फिर यहाँ आई और मैंने इनको फिर बोला कि आपने बात की क्या, चाबी आपने बोला है क्या देने के लिए, आपने बताया है क्या कि मैं आई हूँ, आप गेट क्यों नहीं खोल रहे? उन्होंने बोला कि हमको नहीं मालूम चाबी किसके पास है, हम नहीं जानते कुछ, यही जवाब वहाँ से आ रहा था। यहाँ पे जो पीछे आप हमारे देख रहे हैं, जो मैडम है, गार्ड मैडम है, वो प्राइवेट है। एक्चुअली जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया हुआ है जी, उन्होंने मुझे बताया कि 8 बजे आप यहाँ चले जाना है, स्कूल का कुछ ड्यूटी आपका, मैं इवेंट करती हूँ कॉन्सर्ट। ओके जी, यहाँ आने के बाद मुझे ये बताया गया, जैसे यहाँ पर गार्ड अवेलेबल है। आपका स्कूल से मतलब कोई ये नहीं है ना, आपको ड्यूटी करना है? आई एम नॉट एनिमी अदर्स, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। आप प्राइवेट बाउंसर वगैरह काम करते हैं लेडीज में, आपको यहाँ पे किसने अपॉइंट किया वो बता सकते हैं? मुझे बंसोड सर ने किया है। बंसोड सर कौन है, यहाँ पे स्कूल में कोई है? नहीं नहीं, हमारे एजेंसी वाले। आपके एजेंसी वाले हैं? अच्छा, उन्हें किसी कहीं और ने बोला होगा? बोला है। अच्छा, तो ऐसा कुछ बोला गया था कि इनको अंदर नहीं जाने देना है, ऐसी कोई बात हुई नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे इतना कहा है कि इस गेट से कोई भी एंटर नहीं होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, स्पेशली इनके बारे में मुझे कुछ भी पता गया नहीं है। अच्छा, बाकी टीचर कहाँ से गए? बाकी सारा टीचर स्टाफ मैडम ने देखा ही, रहे सुबह यहाँ से आया था वहीं से चला गया है। अच्छा दोस्तों, स्कूल के प्रिंसिपल का एक ये हाल है, तो सोचिए कि एक बच्चों के बीच में क्या मैसेज आता होगा, क्या खबर जाती होंगी। और पिछले कई खबरों में रचना सिंह और उनके साथियों पे जो की खबरें आप लगातार देखते आए हैं, और हम सब कुछ BCN आप तक सब कुछ लेकर आएगा, एक्सपोज करता रहेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि स्कूल के प्रिंसिपल अगर स्कूल के बाहर 2-2, 3-3 घंटे इंतज़ार करें, उन्हें अंदर ना जाने दिया जाए, तो अपने आप में भारत की शिक्षा व्यवस्था पे और उनके जो स्कूल में जो कुछ लोग हैं जो स्कूल चला रहे हैं उनके ट्रस्टी पे, इन सब पे एक बड़ा सवाल उठता है। आखिर जैसा कि मैम बता रही हैं कि रचना सिंह जो उनकी दूसरी पार्टी है, प्रतिद्वंदी हैं इस मैटर में, वो अभी क्या कर रही हैं और ऐसा क्यों कर रही हैं, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं वीर सिंह, NBC न्यूज़। दोस्तों, यहाँ के प्रिंसिपल, जैसा कि आपने देखा कि मॉडलिन तिवस्कर जी का कहना है कि 5 अप्रैल को कोर्ट की अगली तारीख है और स्कूल ट्रिब्यूनल की तरफ से जो अभी जो स्टे मिला है उसके हिसाब से 5 अप्रैल तक तो प्रिंसिपल वही है, मॉडलिन तिवस्कर है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्कूल के बाहर ही खड़े होना पड़ता है। बाकी स्टाफ आते हैं लेकिन स्कूल के दूसरे गेट से आते हैं,
तो देखना ये है कि क्या 5 अप्रैल तक ऐसे ही यहाँ के जो मॉडलिंग दिवसकर हैं वो ऐसे ही गेट के बाहर से ही अपने घर चले जाएंगे, या फिर इन्हें स्कूल में जाने भी दिया जाएगा या नहीं, और 5 अप्रैल को इस मामले में क्या होता है उसकी भी जानकारी हम आप तक लेकर जरूर आएंगे। आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ सिर्फ इन विश्व न्यूज़ पर।